हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमने आज मूँगफली की चिक्की बनाने के लिए मूँगफली ली हुई है और उसके छिलके निकाल लिए हैं। एक बाउल मूँगफली ली है, एक बाउल गुड़ लिया हुआ है और मूँगफली को अच्छे से छिलके निकाल कर दो दो भागों में डिवाइड किया है। देख सकते हो आप, सेम क्वान्टिटी में दोनों भी हमने लिए हुई है। और एक प्लेट ली हुई है और एक चम्मच घी, एक बाउल को और एक प्लेट को घी लगाना है ताकि चिक्की है जो स्प्रेड करने में हमें आसानी हो और निकालने में भी आसानी हो। इसके लिए फिर हमने कढ़ाई ली हुई है और कढ़ाई में हमने गुड़ डाला है एक बाउल और हाई फ्लेम रखना है स्टार्ट में। और जैसे ही गुड़ पिघलता जाएगा वैसे ही फ्लेम लो करना है और इसमें एक चम्मच घी डालना है। अच्छे से इसमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ घी और गुड़ ही डालना है। इसे अच्छे से हिलाना है। जैसे ही गुड़ पिघलने लगेगा इस तरह से हो जाएगा तब फ्लेम लो करना है और इसे अच्छी तरह से हिलाते रहना है। गुड़ अच्छी तरह से पक जाने पर, इस तरह से होने पर हम बाउल में पानी लेकर उसके गुड़ की कुछ बूंदें डालकर चेक करनी है कि हमारी चाशनी बन गई है या नहीं। कॉफ़ी जैसी अब हमारी चाशनी बननी चाहिए, रबर जैसी हमारी चाशनी नहीं बननी चाहिए, एकदम हार्ड बननी चाहिए। देख सकते हो हमने इसमें कुछ बूंदे डालकर चेक किया है, हमारी चाशनी रेडी हो गई है। जैसे ही चाशनी रेडी हुई तुरंत उसके बाद हमें मूँगफली के दाने डालने हैं और उसे अच्छे से हिलाकर गैस को बंद कर देना है और जल्दी से हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है, नहीं तो हमारी चिक्की बिगड़ सकती है। और हम जो बाउल में घी लगाया था ना उसी से स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड करने के बाद इस तरह से हमारी चिक्की बन जाएगी। और इसे चाकू से हमें सिर्फ काट देना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं काटना, फिर ठंडा होने के बाद अच्छे से काट देना है। ये रही हमारी मूँगफली की चिक्की रेडी। देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से बनी हुई है, बिल्कुल बाजार जैसी बनी हुई है। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, जाते समय एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करना मत भूलना और ज़रूर ट्राई करना ये चिक्की आपको कैसी लगी, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी चिक्की कैसी लगी। बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।